निवेदिता। बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आई है। गिरीश रघुनाथ कर्नाड का निधन हो गया है। वो 81 साल के थे। बताया जा रहा है कि गिरीश लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते धीरे धीरे उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। पिछले कुछ दिनों से उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उनके परिवार ने इसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। गिरीश के निधन की खबर से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि उनके चाहने वाले भी काफी दुखी हैं और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार कमल हसन ने ट्वीट कर लिखा, मिस्टर गिरीश कर्नाड, हिज स्क्रिप्ट्स बोथ ऑ एंड इंस्पायर मी। ही हैज लेफ्ट बिहाइंड मेनी इंस्पायर्ड फैंस हु आर राइटर्स। देयर वर्क्स परहैप्स विल मेक हिज लॉस पार्टली बेरेबल। वहीं कमल हसन की बेटी श्रुति हसन ने भी ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, मे यू रेस्ट इन पीस गिरीश कर्नाड सर, योर टैलेंट, ह्यूमर एंड शार्प इंटेलेक्ट विल बी मिस्ड। इसके अलावा बॉलीवुड डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने लिखा, डीपली सैडन बाय द न्यूज ऑफ डिमाइस ऑफ गिरीश कर्नाड जी, ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज वर्क एज अ थिएटर पर्सनैलिटी, फिल्म एक्टर एंड डायरेक्टर। माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज to his family, friends and fans. Om Shanti. TV actress Shruti Seth ne bhi shok vyakt karte hue tweet likha, terribly sad. Love and prayers to Karnad and family. Rest in peace, Girish Karnad. Bata de ki national award winner Girish Raghunath Karnad ne na sirf Hindi film industry mein kaam kiya balki wo South ki bhi kai filmon mein damdar role mein dikhai diye. उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर हमेशा राज किया है। आखिरी बार वो साल 2017 में आई सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है में दिखाई दिए थे। इसके अलावा वो निशांत, शिवाय और चौक इंडस्टर जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं।